खारघर येथील राधाकृष्ण कॉम्प्लेक्स मध्ये नव्याने बॅडमिंटन कोर्ट सुरू झालाय. या कोर्टचं उद्घाटन पनवेल महापालिकेचे सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या हस्ते रविवारी झालं. यावेळी त्यांनी उपस्थितांना आरोग्याविषयी मार्गदर्शन केलं. तसंच आयुष्य चांगलं जगण्यासाठी चांगलं आरोग्य असणं आवश्यक आहे असा मोलाचा सल्ला दिलाय. बॅडमिंटन कोर्टच्या उद्घाटनावेळी पनवेल महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण सभापती हर्षदा उपाध्याय, नगरसेवक अभिमन्यू पाटील, प्रवीण पाटील, भाजपचे खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, भाजप नेते वासुदेव पाटील, ज्येष्ठ नागरिक सेलचे खारघर उपाध्यक्ष प्रकाश फाटक, भाजप महिला मोर्चाच्या सचिव गीता चौधरी, राधाकृष्ण कॉम्प्लेक्सचे चेअरमन रवी वाणी, सचिव मनोज कहर यांच्यासह पदाधिकारी आणि रहिवासी उपस्थित होते. तो यहाँ पे स्पेशली ये छोटे बच्चों के लिए यहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट का यहाँ पे उपयोग किया गया है. ऐसा सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं जाहिर करता हूँ कि एक बहुत ही बच्चों के लिए, यूथ के लिए और इस भारत के नागरिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरत क्या है, तो एक चुस्त तंदुरुस्त ऐसा शरीर जिसकी वजह से यहाँ पे आने वाले सामने आने वाले सभी कठिनाइयां इसको पार करने के लिए, तुमको आगे लेके जाने के लिए, तुमके साथ में तुमका हमारा फैमिली होगा, हमारा और हम पे जिम्मेदारी है जिन जिन ने की है, मतलब हमारे पूरे एरिया की जिम्मेदारी एक छोटे से स्वरूप से कुछ क्यों ना हो पर हम पे आती ही है. और यहाँ पे जब हम उनके लिए कोशिश करते हैं इसका मतलब हम इन सभी के लिए कोशिश करते हैं. और अगर हमें हमारा खुद का भविष्य अगर अच्छा करना है तो उसके लिए फिर हमें एक चुस्त तंदुरुस्त ऐसे शरीर की और एक चुस्त तंदुरुस्त ऐसे एक मन की इसकी हमें हमेशा जरूरत होती है. और यहाँ पे मुझे आप सभी को पता है कि एक अच्छा स्पोर्ट्स अगर खेलने वाला अगर आदमी है तो उसकी वजह से फिर मतलब इस समाज को इसका उसका एक बहुत बड़ा ऐसा फायदा होता है. आज यहाँ पे बैडमिंटन का मैचेस यहाँ पे रखे हुए हैं और उसके साथ में ही कोरोना की वजह से पिछले साल में यहाँ पे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो नहीं सका, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी अभी हुआ है और ये साल में भी अभी ये बैडमिंटन कॉम्पिटिशन यहाँ पे होने वाली है. मुझे यहाँ पे यकीन है कि इससे एक अच्छे अच्छे प्लेयर्स ये आगे आ सकेंगे और इसकी वजह से खारघर का नाम फिर आगे जाके रोशन हो सकेगा, ऐसा मुझे यकीन है.